नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन की अपील है, नगर में कोरोना से बचाव के लिए शासन के नियमों का पालन करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें। कृपया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में सहयोग करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। निवेदक संघ मित्रा बौद्ध, प्रशासक SDM नगर परिषद अधिकारी सलवानी। राजेंद्र शर्मा मुख्य नगर परिषद अधिकारी सलवानी। शहडोल जिले के छत्तीसगढ़ सीमा से लगा सीधी थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। सीधी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी नरेंद्र राजपूत पदभार ग्रहण करते ही दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई किए, लेकिन अब साहब पुराने हो गए हैं और जम गए हैं थाना सीधी में। इसीलिए अवैध कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। थाना सीधी क्षेत्र से लगे जितने भी गांव हैं, सभी गांव में अवैध उत्खनन जोरों पर है। अवैध रेत उत्खनन पुलिस विभाग के अधिकारी मुख्य दर्शक बनकर देखते रहते हैं। पुलिस की गाड़ी अड्डे में पहुंचते ही ट्रैक्टर से रेत खाली हो जाता है और पुलिस विभाग के वन विभाग और खनिज विभाग के साथ पटवारी सभी अधिकारी बेबस नजर आ रहे हैं। माफियाओं के सामने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा। ट्रैक्टर मालिकों के आगे नतमस्तक सीधी पुलिस है। कुछ दबंग ट्रैक्टर मालिक हैं जो सीधी पुलिस उनके खौफ से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अवैध कारोबार हर बार पत्रकारों के द्वारा मामला संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आखिर खनन माफिया पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल है। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।